भारत वर्सेस अफगानिस्तान के तीसरे T20 के मुकाबले में रिंकू सिंह, शिवम दुबे और विराट कोहली का आया तूफान। ऐसी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। यशस्वी जायसवाल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अफगानिस्तान के गेंदबाजों को धोने में। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाएंगे कि तीसरे T20 के मुकाबले में इतनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर ऐसा कहर बसाया कि तीनों के तीनों सीरीज अपने नाम कर ली। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की, जहां पर दुबे, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह और विराट कोहली की घातक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर बरसाया कि अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज इनके सामने पानी भरता हुआ नजर आया। आप सभी को बता दें कि मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं, बिल्कुल सांक रोक देने वाला मुकाबला था, क्योंकि यहां पर जो अफगानिस्तान की टीम थी वो तीसरा मुकाबला जीतने के लिए अपना जी जान लगा रही थी, क्योंकि उन्होंने दो मुकाबले लगातार हारे तो तीसरा मुकाबला उन्हें किसी भी हाल में जीतना था। तो एक तरफ भारतीय टीम दो मुकाबले लगातार जीती थी और सीरीज अपने नाम करने के लिए तीसरा मुकाबला हर किसी हाल में जीतना था। तो यहाँ पर काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी और गेंदबाजी हुई, जिसको देखकर आप भी एक बार चौंक जाएंगे। और भारतीय टीम के घातक विस्फोटक बल्लेबाजों ने यह मुकाबला किस तरीके से जीता है, आखिरी ओवर में रिंकू सिंह, शिवम दुबे ने मैच को किस तरीके से पलट दिया, लास्ट में ऐसा लगा जाकर के कि अफगानिस्तान की झोली में जीत का मुकाबला चला जाएगा, लेकिन फिर रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने अफगानिस्तान की झोली से भारतीय टीम की झोली में जीत का मुकाबला डाल दिया। पूरा का पूरा रोमांचक अगर आप देखेंगे तो आपकी भी एक बार रूह कांप जाएगी और आप भी खड़े होकर यहाँ पर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह और शिवम दुबे और यहां पर घातक से घातक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली को दिल से सलाम ठोकेंगे। तो पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट मुकाबला आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेज अफगानिस्तान के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी फिर भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने जीत कर पहले गेंदबाजी चुनी और बल्लेबाजी का न्योता यहां पर अफगानिस्तान की टीम को दिया, जहां पर अफगानिस्तान के घातक से घातक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच गए। आप सभी को बता दें कि रोहित शर्मा ने दो बारी टॉस फिर जीती थी पहले दोनों T20 के मुकाबले में और गेंदबाजी चुनी थी, और यहाँ पर एक बार फिर टॉस जीतकर यहाँ पर इन्होंने गेंदबाजी चुन ली। यहाँ पर अफगानिस्तान के घातक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच गए, जहाँ पर उन्होंने काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से शुरुआत की। आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम के जो गेंदबाज हैं हर्षदीप सिंह और यहाँ पर अक्षर पटेल और आवेश खान, रवि बिश्नोई, वो काफी कातिलाना विस्फोटक गेंदबाज हैं। जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए अफगानिस्तान के घातक से घातक विस्फोटक बल्लेबाज पहुंचे तो उन्होंने किस तरीके से ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसको देखकर आप भी एक बार चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि मैदान पर जैसे ही बल्लेबाजी करने के लिए अफगानिस्तान के घातक विस्फोटक बल्लेबाज आए तो हर्षदीप सिंह ने पहले ही ओवर में विकेट चटका दिया, जहां पर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आप सभी को बता दें कि दूसरा ओवर डालने के लिए आवेश खान आए, जहां पर आवेश खान ने एक ओवर में 17 रन खाए। रवि बिश्नोई आए, उन्होंने भी एक ओवर में 12 रन खाए, जहां पर घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज आ रहे थे और ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान के बल्लेबाज काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और अफगानिस्तान की तरफ से दो तीन नए भी युवा खेलते हुए नजर आए थे। आप सभी को बता दें कि यहां पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे अफगानिस्तान के बल्लेबाज इस मुकाबले को किसी भी हाल में जीतना चाहते थे, क्योंकि लगातार उन्हें दो मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है, तो उन्होंने सोचा कि इस मुकाबले तो को हम जीत ही ले। लेकिन यहां पर भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने उनका बल्ला थोड़ी ही देर तक टिक पाया और इधर 11वें ओवर तक जाते जाते 4 विकेट चटका दिए। आप सभी को बता दें कि आवेश खान, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई और यहां पर हर्षदीप सिंह ने काफी विस्फोटक तरीके से गेंदबाजी कराई, लेकिन दो घातक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर ऐसे थे अफगानिस्तान के जो टिके रहे और टिक कर बल्लेबाजी करते रहे। एक तरफ ऐसा लगा कि आज अफगानिस्तान के घातक विस्फोटक बल्लेबाज 300 से भी पार रन ठोक देंगे और यहाँ पर भारतीय टीम को बड़ा झटका लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर घातक विस्फोटक तो बल्लेबाजी अफगानिस्तान के बल्लेबाज कर रहे थे और भारतीय टीम के गेंदबाजों को कुछ देर तक काफी परेशान किया, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी उन बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया 15वें ओवर की 4थी बॉल में। आप सभी को बता दें कि फिर एक घातक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर आ गया अफगानिस्तान की तरफ से, जो बल्लेबाजी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से करने लगा और मैदान पर कहर बरसाने लगा, जहां पर अफगानिस्तान के खिलाफ पहले गेंदबाजी चुनी भारतीय टीम का कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने, जो काफी सही बैठी, लेकिन यहां पर रन जो है अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा ठोक डाले। पहले T20 के मुकाबले में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने 157 रन की नाबाद पारी खेली थी, दूसरे T20 के मुकाबले में 172 रन की नाबाद पारी खेली थी, और जहां तीसरे T20 के मुकाबले में घातक विस्फोटक बल्लेबाजी करके यहां पर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया और 20 ओवरों के भीतर इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कि अफगानिस्तान के बल्लेबाज सोचने लगे कि अब इस मुकाबले
मुकाबले को हम जीत लेंगे, एक दूसरे के गले लगने लगे और खुशियां मनाने लगे। शायद उन्हें नहीं पता था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसी आंधी अभी मैदान पर है। आप सभी को बता दें कि अफगानिस्तान के घातक विस्फोटक बल्लेबाज ने काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की और हमारे गेंदबाजों को काफी देर तक परेशान कर रखा। आप सभी को बता दें कि इन्होंने रन ठोक दिए, वो 212 रन ठोक दिए, जहां पर यानी कि T20 के मुकाबले में 212 रन बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। जहां पर इन बल्लेबाजों ने काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की, जहां पर हर किसी को लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को हो सकता है कि ना जीत पाए, लेकिन अगर आप भारतीय टीम की बल्लेबाजी देखेंगे तो आप भी एक बार हैरान हो जाएंगे। आप सभी को बता दें कि सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग में उतरे, जहां पर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की लय में उतरे। आपको बता दूं कि रोहित शर्मा पहले T20 के मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ रन आउट हो गए थे 0 पर, दूसरे T20 के मुकाबले में भी 0 पर आउट हो गए, लेकिन तीसरे T20 के मुकाबले में काफी कहर भरी बल्लेबाजी की और अफगानिस्तान के गेंदबाजों को जमकर धोया। आप सभी को बता दूं कि उन सभी को मुंहतोड़ जवाब दे दिया जो ये कहते थे कि रोहित शर्मा अब नहीं खेल पाता है। रोहित शर्मा ने तीसरे T20 के मुकाबले में छक्के से शुरुआत की और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बसा दिया। अकेले रोहित शर्मा ने ऐसी बल्लेबाजी की जहां पर अफगानिस्तान के गेंदबाज परेशान थे और अफगानिस्तान के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज यहां पर रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के आगे पानी भरते हुए नजर आए। बखूबी यशस्वी जायसवाल ने भी रोहित शर्मा का साथ दिया और यशस्वी जायसवाल भी कांटे की बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर हर किसी को ऐसा लग रहा था कि हो क्या रहा है। यशस्वी जायसवाल काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाज हैं, उन्होंने फिर एक बार साबित कर दिया है। यशस्वी जायसवाल 21 साल का एक ऐसा होनहार सिक्का है, अगर किसी भी मैदान पर किसी भी पिच पर किसी भी टीम की तरफ से खेल रहा है तो उस मैच को 100% जीतना ही है। आप सभी को बता दें कि ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल, मैं आपको बता दूं कि भारतीय टीम को 8वें ओवर में काफी बड़ा झटका लग गया जब भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा आउट हुए। आप सभी को बता दूं कि 51 रन बना करके आउट हुए हिटमैन रोहित शर्मा, जो अपना अर्धशतक पूरा कर गए थे, लेकिन ओवर भी 8 हो चुके थे। यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे 68 रन बना चुके थे यशस्वी जायसवाल, लेकिन मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज जब हिटमैन रोहित शर्मा आउट हुए, जो काफी चिल्ले में बल्लेबाजी कर रहे थे, तो भारतीय टीम को एक काफी बड़ा झटका लगा और वो पवेलियन का रास्ता देख गए। 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर कैच आउट हो गए एक लंबे शॉट के चक्कर में। आप सभी को बता दूं जब रोहित शर्मा आउट हुए तो उसके बाद मैदान पर यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए घातक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली आ गए। आप सभी को बता दूं कि यशस्वी जायसवाल काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और मैदान पर कहर भरी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उनका साथ देने के लिए मैदान पर जब विराट कोहली आए तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और यहां पर अफगानिस्तान के गेंदबाजों को जमकर धोने लगे। 10वें ओवर में विराट कोहली ने अकेले अपने दम पर 6 गेंदों पर 4 छक्के और 2 चौके जड़ दिए, जहां पर ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की और एक तरफ यशस्वी जायसवाल भी बखूबी उनका साथ निभा रहे थे। लेकिन यहां पर 10वें ओवर के बाद 11वें ओवर में भारतीय टीम को एक काफी बड़ा झटका लग गया जब यहां पर 71 रन की नाबाद पारी खेल चुके यशस्वी जायसवाल कैच आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज दुबे आए यहां पर विराट कोहली का साथ देने के लिए, लेकिन विराट कोहली तो काफी अच्छी लहर में बल्लेबाजी कर रहे थे और अफगानिस्तान के गेंदबाजों को जमकर धो रहे थे। जब यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा जैसे घातक विस्फोटक बल्लेबाज आउट हुए तो यहां पर अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने सोच लिया कि अब इस मुकाबले को हम जीत लेंगे, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि विराट कोहली काफी अच्छी लहर में बल्लेबाजी कर रहे थे और दुबे तो एक ऐसा नया बल्लेबाज है जो ऑलराउंडर के नाम से जाना जाता है, जो विकेट भी काफी जल्दी चटकाते हैं और बल्लेबाजी में तो काफी ज्यादा माहिर हैं, जिन्होंने हार्दिक पांड्या का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप सभी को बता दें कि शिवम दुबे ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी और विराट कोहली ने कहर भरी बल्लेबाजी करके मैदान पर आग लगा दी और ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी शुरू कर दी, जहां पर अफगानिस्तान के गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहां पर अफगानिस्तान के घातक विस्फोटक गेंदबाज बार बार यहां पर शिवम दुबे और विराट कोहली का बल्ला चेक करने के लिए आ रहे थे कि आखिरकार इस बल्ले में ऐसा क्या है जो छक्के चौके ही सीधे जाते हैं और रन एक भी नहीं मिल पाता है। आप सभी को बता दें इनके बल्ले में ऐसा जादू था जो ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट कोहली ने तो जाने कितने छक्के लगा दिए, कितने चौके लगा दिए और ये लगभग लगातार खेलते ही रहे। आप सभी को बता दें जो 14वें ओवर की बात है, विराट कोहली ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और 14वें ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिए, जहां पर युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और इन तीनों घातक विस्फोटक पूर्व कप्तान बल्लेबाजों ने विराट कोहली को सलाम ठोका और विराट कोहली की काफी ज्यादा तारीफ की। तो दुबे भी कहां पीछे जाने वाले थे, दुबे ने भी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से यहां पर बल्लेबाजी की और अफगानिस्तान के गेंदबाजों को जमकर धोया। अफगानिस्तान के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज दुबे विराट के आगे पानी भरते हुए नजर आए, लेकिन 15वें ओवर में काफी बड़ा झटका लग गया जब विराट कोहली जैसे घातक विस्फोटक बल्लेबाज आउट हुए। आप सभी को बता दें कि विराट कोहली रन आउट हो गए शिवम दुबे के चक्कर में, लेकिन यहां पर विराट कोहली 112 रन की नाबाद पारी खेल चुके थे। विराट कोहली के आउट होने के बाद, रोहित शर्मा के आउट होने के बाद और यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद यहां पर शिवम दुबे के जो है कंधों पर सारी की सारी जिम्मेदारी आ गई वो इंडिया टीम की। और शिवम दुबे ने जो है, अगर आपको बता दूं, बुलाया तो सिर्फ रिंकू सिंह को। रिंकू सिंह ने आते ही मैदान पर तबाही मचा दी और शाहरुख खान भी खड़े होकर के रिंकू सिंह के लिए ताली बजाने लगे।
रिंकू सिंह वो घातक विस्फोटक बल्लेबाज है जो मैदान पर आते ही तबाही मचा देता है। अच्छा सा अच्छा सामने वाला बॉलर उसके सामने नतमस्तक हो जाता है और बॉलिंग करने से डरता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान का घातक विस्फोटक गेंदबाज मैदान पर गेंदबाजी कर रहा था, जहां पर आप सभी को बता दूं कि रिंकू सिंह ने उसके 6 गेंदों पर 4 छक्के 2 चौके जड़ दिए और लगातार घातक विस्फोटक बल्लेबाजी करते रहे। जब रोहित विराट और यशस्वी आउट हुए तो यहां पर दुबे और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर ऐसा कहर बरसाया कि अफगानिस्तान की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। अफगानिस्तान की गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहां पर हो क्या रहा है, लेकिन रिंकू सिंह की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी और यहां पर शिवम दुबे की घातक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा रखा था। पहले T20 के मुकाबले में अगर किसी ने जीत दिलाई थी वो रिंकू सिंह था और शिवम दुबे था जो लास्ट तक खेलता रहा, और दूसरे T20 के मुकाबले में जब जीत दिलाई तो शिवम दुबे ने और यहां पर आप सभी को बता दूं रिंकू सिंह ने। ड्रेसिंग रूम में बैठे कोच राहुल द्रविड़, विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल खड़े खड़े हंस रहे थे और वो जान चुके थे इस मुकाबले को हम पूरी तरीके से अब जीत लेंगे, क्योंकि यहां पर 2 ओवरों में अब 50 रनों की जरूरत थी भारतीय टीम को जीत के लिए। यानी कि 2 ओवरों में 50 रनों की जरूरत थी, बल्लेबाजी तो ताबड़तोड़ कर रहे थे लेकिन यहां पर 2 ओवर में 50 रन बनाना कोई छोटी मोटी बात भी नहीं होती है। जहां एक तरफ अफगानिस्तान के गेंदबाज, कप्तान और सब मिलकर खुशियां मनाने लगे कि उन्होंने सोचा कि तीसरा T20 का मुकाबला हमने जीत लिया, लेकिन यहां पर कुछ अलग ही हो गया। रिंकू सिंह ने और शिवम दुबे ने पूरे के पूरे मैच को ही पलट डाला और अफगानिस्तान के गेंदबाजों के नाक में दम कर दिए। आप सभी को बता देंगे 1 ओवर में 25 रन ठोक दिए, जहां पर आखिरी के 1 ओवर में अब जीत के लिए भारतीय टीम को चाहिए थे बिल्कुल 25 रन, जहां पर विराट कोहली के बाद जाने के बाद शिवम दुबे ने और रिंकू सिंह ने उन 25 रनों को इस कदर बना दिया 4 ही गेंदों में, जहां पर आप सभी को बता दें कि ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की। 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के जड़ दिए और आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था, जहां पर 5वें गेंद पर उन्होंने चौका लगा दिया, जहां पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया और अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगा दी। तीसरा T20 का मुकाबला जीतने के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने गेंदबाजों ने काफ़ी खुशियां मनाई और ये मुकाबला शिवम दुबे, विराट कोहली और रिंकू सिंह की वजह से जीता गया है, जहां पर इन लोगों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की और अफगानिस्तान के गेंदबाजों की नाक में दम कर दी। अफगानिस्तान जब ये तीसरा T20 का मुकाबला हार गए तो काफ़ी ज़्यादा भावुक होकर के कप्तान ने बयान दिया कि भारतीय टीम काफ़ी मजबूत टीम है और भारतीय टीम के घातक विस्फोटक जो बल्लेबाज है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन दिखाते हैं और खेलते हैं, एंड जैसे बल्लेबाजों के आगे टिकना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप सभी को बता दें कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विराट कोहली और दुबे और रिंकू सिंह की तारीफ की, जहां पर यशस्वी जायसवाल की भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।